हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ वो है, एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि स्टूडेंट्स भी हमसे बहुत पूछ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है अब। क्या 2030 तक बीएड की डिग्री इनवैलिड हो जाएगी? बीएड की डिग्री का मान्यता खत्म हो जाएगा 2030 तक? तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे और इसी बात को जो मैं एलिबरेट करूँगी इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में, बीएड सेकंड ईयर क्लास 7 बजे इवनिंग में और अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास कंटिन्यू है। बिहार की यूनिवर्सिटीज़ का जो है पेड क्लास बीएड फर्स्ट ईयर का वो भी चल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जैसे कि आप जानते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो अब कर दिया गया है बहुत जगह पे, तो अभी स्टार्ट भी कर दिया गया है जिसमें कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया जा रहा है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहते थे तो वो बीटेक करते थे डायरेक्ट, 12th के बाद वो बीटेक को चूज़ करते थे। उसी तरह जो भी स्टूडेंट्स अब टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं उनको जो है इंटीग्रेटेड कोर्स को ही चूज करना पड़ेगा जब ये पूरी तरह से सब जगह पे लागू हो जाएगा। तो ये हमारे जो 2020 की एनएपी बनी है, बिकॉज ऑफ ये कोरोना सब डिले चल रहा है, अदरवाइज ये अभी तक सब जगह लागू हो चुका रहता। तो ये 2020 में जो एनएपी है उसमें यही बोला गया है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसी के थ्रू जो भी स्टूडेंट बीएड की डिग्री कंप्लीट करेंगे उन्हीं लोगों को जो है टीचिंग में आने की मान्यता दी जाएगी। तो इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक जो ये 2 साल का बीएड है और ये 1 साल का बीएड है ये सब खत्म हो जाएगा और इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा जिसमें कि आपको 12th के बाद ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, इसका बहुत बेनिफिट है। पहला कि टीचिंग एक ऑप्शन बन के नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि किसी को अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो फिर वो बीएड करते हैं और टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं। तो टीचिंग ऑप्शन बन के नहीं रह जाएगा टीचिंग का, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। तो इसमें आप लोगों को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, अगर आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो 12th के बाद जो है आप इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे और फिर टीचिंग के फील्ड में आएंगे। इस कोर्स को जो है ITEP के नाम से जाना जाता है। तो 2020 की जो एनईपी बनी है उसमें क्लियरली बोला गया है कि आगे जाकर के जो ITEP किए हुए जो स्टूडेंट रहेंगे उन्हीं की डिग्री मान्य होगी, बाकी ये 2 साल और 1 साल का बीएड खत्म करने की संभावना जो है 2030 तक बताई जा रही है। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो जो अभी तक बीएड की डिग्री कर चुके हैं उन लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर जॉब होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2030 तक 2 साल और 1 साल के बीएड की संभावना बहुत ही कम रह जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ रहेगा तो इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। इसको हम बिल्कुल नकार भी नहीं सकते हैं और ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये 2030 में एग्जैक्टली जो है इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए, लेकिन चांसेस हैं इंप्लीमेंशन के और ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ ITEP, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड कोर्स। तो इसमें सच्चाई है, इस न्यूज़ को पूरी तरह से फेक नहीं बोल सकते हैं। और लेकिन आप लोगों को डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की तब तक आ गई रहेगी, आपका कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगा। जो नए बच्चे निकल रहे हैं, जो 12th करके आ रहे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है बनाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपके मन में, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।